हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। पहले के कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था और देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं टेस्ट चार्ज की हेल्प से। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब कोई भी चार्ज है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई सा भी चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ऐसा हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें स्पेस में पिक्टोरियली, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें पेन और पेपर पे, तो हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? दे आर द लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब क्या होते हैं वो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, मतलब उन लाइंस के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि जो फोर्स है अगर हम वहाँ पर कोई चार्ज रखें तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें पता चल सकता है। तो दे आर द लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर ड्रॉन इन स्पेस इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं उस लाइन्स ऑफ फोर्स को कि जो उस पर टेंजेंट है, अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं चाहे वो कर्व्ड है या फिर स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर अगर हम कोई टेंजेंट बनाए किसी पॉइंट पर तो हमें ये पता चलता है कि जो उस टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? दे आर जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। तो ये अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखा। जैसे पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया भी था कि जैसे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो भी फील्ड लाइंस हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब निकल रही हैं। कहने का मतलब कि ये कुछ इस टाइप का लगता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइंस, अगर ये आइसोलेटेड है तो, मतलब अगर सिर्फ अकेला हमारा सिस्टम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसमें से ओरिजिनेट होते हुए लगते हैं। और ये टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, मतलब ख़त्म जो होते हैं, क्योंकि आसपास कोई भी चार्ज नहीं है तो ये इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगा जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और अगर हमारे पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट करते हैं। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं कहाँ से? इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रहे हैं और टर्मिनेट हो रहे हैं हमारे नेगेटिव चार्ज पर। अब तो ये दोनों हमने देख लिया। अब ऐसा भी सिस्टम होता है, मतलब कॉम्बिनेशन हमारा बनता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर आसपास हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो कैसे बनते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं, हम वो भी देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर टेंजेंट की बात की है, कहने का मतलब कि अगर हम मान लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसा है, अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट बनेगा यहाँ पर, ये जो हमारा टेंजेंट बना यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। या फिर अगर हमें इस पॉइंट पर बनाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे कुछ इस तरह से हैं, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इधर कहीं जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कर्व पे, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट बनाया तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है यही हो जाएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब अगर हम इस पॉइंट पर कोई भी चार्ज रखते हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पर जो डायरेक्शन और फोर्स लगेगा या फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है
उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है पॉजिटिव चार्ज के केस में। लेकिन अगर यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज ले रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन अगर हमने नेगेटिव चार्ज ले रखा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। अब ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और याद रखने की बात है कि अगर जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। और अगर हम नेगेटिव चार्ज लगते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आते हैं हम अपने अगले पार्ट पे, वो क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर हम क्या करते हैं कुछ एरिया लेते हैं, अब मान लिया हमने इतना सा एरिया लिया तो इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस जा रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ लाइंस 3 जा रहे हैं। और इतना ही अगर एरिया हमने यहाँ पर लिया है तो इसमें हमारे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 2 है। हमने माना कि इन दोनों का एरिया सेम है तो इसमें कितने जा रहे हैं? 3 लाइंस जा रहे हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर हम कोई चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम चार्ज यहाँ पर रख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होती है? जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो। और क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है उसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है या फिर उसमें टर्मिनेट हो रही है तो क्या होता है कि वो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर मान लिया ये स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज लिया है तो अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज हो रही हैं, मतलब बाहर निकल रही हैं, तो सरफेस से निकलने से वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता, अगर किसी एंगल पे होता, तो क्योंकि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सरफेस के अलोंग हो जाएगा। तो अगर सरफेस के अलोंग हो जाएगा तो क्या मतलब ये चार्ज यहाँ पे फोर्स लगाने लगेगा इस सरफेस पे। और क्या होता है अगर चार्ज पे फोर्स लग रहा है सरफेस पे तो वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। तो क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हम मानते हैं कि वो क्या होता है किसी भी चार्ज्ड बॉडी से के सरफेस से वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो टर्मिनेट होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। और अगला पार्ट क्या है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रखा है, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लाइन दूसरे लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और दूसरे ऐसे है तो ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। अब ये क्यों नहीं करेंगी, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अगर उस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, अगर उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए होती है तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट ले तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 टेंजेंट बन जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट पर क्या हो गया, हमारे 2 डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कि पॉसिबल नहीं है। और क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। मतलब हम ऐसा नहीं बना सकते कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज्ड लूप में घूम रही है, मतलब ऐसे हम कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं बना सकते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ प्रॉपर्टीज़, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में देखा। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब अगर अलग अलग कंडीशन हमारे पास दे रखा है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक साथ हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है, तो अलग अलग कंडीशन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम उसे ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफ पे हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे हमने, और आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।